नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप है हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। घाटशिला महाविद्यालय में एनएसएस इकाई ने प्रोफेसर इंदर पासवान के नेतृत्व में कॉलेज को सैनिटाइज किया। अवसर पर प्रोफेसर इंदर पासवान ने कहा कि कोरोना वायरस एक बार फिर से पूरे देश में पैर पसार रहा है, जो काफी चिंता का विषय है। इसलिए हम सभी को सजग रहने की जरूरत है। प्रोफेसर इंदर पासवान ने सभी छात्र छात्राओं से मास्क पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने की अपील की। मौके पर डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर संजय सिंह, श्री डी के दास, अर्जुन भुइया, सुपाई सोरेन, सुदामा हेमरम, इति गोप, ममता किसपुरी, नामुंडा, पार्वती टुडू, दुर्योधन मुर्मू, यशोदा मलय, एस चंद्रा समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। ये पहले से प्रस्तावित है कि घाटशिला कॉलेज की एनएसएस इकाई आज पूरे कैंपस को, यहाँ पे जितने भी खिड़की दरवाजे टेबल है, वो सबको सैनिटाइज करेगा। क्योंकि पिछले कई दिनों से कॉलेज में बहुत भीड़ भाड़ थी और लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। सरकार रोज सुरक्षा के नियमों का पालन करने का निर्देश दे रही है। इसी के तहत बीते हुए कल में एनएसएस के वॉलंटियर्स ने कैंपस में आए हुए विद्यार्थियों को जागरूक किया, उनको आग्रह किया कि आप कृपया मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी बनाकर रखें और सरकार द्वारा निर्देशित जितने भी नियम हैं, कृपया उसको अक्षरशः पालन करें। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, जान है तो जहान है, और इसलिए एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनएसएस यूनिट्स अपना दायित्व निर्वहन करते हुए आज संपूर्ण कैंपस को सैनिटाइज करेगा, जिसके लिए हम लोगों का सारा सामान उपलब्ध हो गया है। सैनिटाइजर्स हैं, मशीन है, ये सारे बहुत सारे लोगों के पास सैनिटाइजर्स के बोटल्स हैं। वो सब लोग अभी से लगभग 2 घंटे तक ये सैनिटाइजर का कार्यक्रम चलेगा और हम लोग लगातार अपने विद्यार्थियों को जागरूक भी करते रहेंगे, उनको हम लोग टोकते भी रहेंगे कि आप कृपया मास्क लगाएं और नियमों का पालन करते रहें। घाटशिला के मुसाबनी थाना क्षेत्र के सुरदा पहाड़ पर एक 17 वर्षीय नाबालिग युवती का शव सड़ी गली अवस्था में पाया गया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। सूचना मिलने पर मुसाबनी पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। शव को देखकर आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या कर शव को पहाड़ के ऊपर फेंक दिया गया है। मृतक युवती की पहचान सुरदा के रहने वाले के रूप में की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया है। इधर पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद इस मामले को बारे में कुछ भी कहा जा सकता है। मुसाबनी के सुरदा से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। एक सप्ताह पहले उनकी मदर और उनके रिश्तेदार लोग मेरे पास आए थे कि लड़की जो है गुम हो गया है। हमने कहा जाके थाना में, स्थानीय थाना में जाके रिपोर्ट तुम दर्ज कर दो, बोला कि लड़की गुम हो गई है। रिपोर्ट दर्ज किए और उसके बाद खोजबीन चालू हुआ। अचानक आज जो है खबर पता चला कि लड़की का बॉडी वहाँ पर पड़ी है, गाछ पहाड़ के ऊपर, सुरदा कार्तिक मंदिर के ऊपर जो है फोर्ट साहब घेटघर के ऊपर में एक लाश पड़ी है। पता चला वो लाश उसी अनानगर निवासी जो है फुकना पात्र की बेटी प्रीतिदा पात्र की है। पुलिस को सूचना दिए, पुलिस आए और उनको जो है अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही है। किस तरह का बात सामने आ रही है? अब तो जांच के बाद, पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार आला कुछ है। जमशेदपुर के एक स्वर्ण व्यवसायी द्वारा सैकड़ों लोगों को चूना लगाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आजाद नगर थाना में कई लोगों ने लिखित शिकायत की, परंतु थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ जमशेदपुर एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। कुछ दिन पूर्व जमशेदपुर के पुरुलिया रोड के स्वर्ण व्यवसायी जगदीश वर्मा तथा उसके पुत्र सुरेश वर्मा ने अपने सैकड़ों ग्राहकों का रुपया लेकर अचानक गायब हो गया। दुकानदार के संपर्क में आए कई ग्राहकों ने आजाद नगर थाना में लिखित शिकायत की, लेकिन एक माह बीतने के बाद भी जगदीश वर्मा तथा सुरेश वर्मा को पुलिस ढूंढने में असफल रही, जिस कारण आज कुछ ग्राहकों ने स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेता मौलाना अंसारी खान के साथ सीनियर एसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की। जमशेदपुर से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आजाद नगर थाना में क्या कंप्लेंट दायर किया गया, लेकिन वहाँ पर अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पाया है। इसलिए हम एसपी साहब के पास में आए कि उसको फौरन जो हमारा जो आजाद नगर थाना है वहाँ पर उनको क्या नाम है, एक अरेस्टिंग के लिए कहा जाए। कि सुरेश नाम का पुरलिया रोड में दुकान था सुनार का, लेकिन वो सामान उसको बनाने के लिए आज निकल कल नहीं आज बोल के उसे करते करते 2 साल हो गए। उसके बाद जब घर भी बिक्री कर दिया, दुकान भी अभी खड़ी, और साक्षी पान मार्केट में अपना दुकान है, जबकि हम लोग जाके ताला भी लॉक किया। फिर साक्षी थाना में भी हम लोग FIR दिए, फिर और पुरलिया रोड में भी FIR किए कि भाई इसको पता करो, कोई पता ही नहीं करता है। ऐसा हम लोग का नहीं, बहुत जन आर एक बार DC ऑफिस में 2 लेडीज आई थी, जिन लोग का आया था पेपर में। आपका कुल कितना सामान होगा? मेरा 1.5 लाख का सामान। ऐसे कितने आदमी है जो पीड़ित है? होंगे, पुरलिया रोड में तो दुनिया भर का आदमी है, कम से कम 200-300 आदमी होगा उसको ढूंढ रहा है जो।
सबका सामान लेके गया, बोला था ये बेचेंगे तो दे देंगे, वो घर बेचेंगे तो दे देंगे, घर भी बेचा सब बेचा। कहाँ पर दुकान था और दुकान का क्या नाम है? जगदीश नाम दुकान का, पुरलिया में था, और रोड है ना पुरलिया रोड, वहाँ दुकान था जगदीश नाम का। रोड सुरेश नाम जो व्यक्ति है उसका सुनार का दुकान था। यहाँ पर काफ़ी लोगों का, जैसे कि आजकल ये लेडीज लोग जाती है, कोई तो ब्याज पर पैसा ले लेती है, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए वहाँ एडवांस पैसा दे दिया जाता है और उसको जेवर बनाने के लिए, वहाँ पर काफ़ी लोगों का कम से कम 25 से 30 लोगों का ले के वो फरार हो चुका है, जिसमें 6 लोगों ने आज से 2 महीना लगभग हो गया एफ आई आर किया गया था थाने में, आदानगर थाने में एफ आई आर होने के बावजूद भी उसका अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पाया है। इसलिए हम एसपी साहब महोदय के पास में आए हुए हैं कि उसको फौरी तौर पर उसको क्या नाम है अरेस्ट किया जाए, और जिन जिन गरीब लोगों का सामान लेकर भागा हुआ, पैसा लेकर भागा हुआ, कुल कितने का अमाउंट लेकर भागा हुआ? अमाउंट इन लोगों का जो 6 लोगों का अभी एफ आई आर किया गया लगभग इनका 17 से 18 लाख रुपये 18-19 लाख के करीब, और ऐसे बहुत लोग 20 से 25 लोगों को लेकर भागा हुआ। जो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आए जिनका एफ आई आर आया, सिर्फ हम उनके लिए आए हुए हैं अभी जिन्होंने एफ आई आर किया गया, जो कि थाने से हमारे इस पर मुझे ये रिक्वेस्ट है कि पूरी तौर पर थाने को क्या नाम है ऑर्डर दें जो तारीख हो सके। घाटशिला प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में रूर्बन मिशन अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में रूर्बन मिशन अंतर्गत कृषि पंचायती SBMG एवं कल्याण विभागों से समन्वय स्थापित कर LCAP में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। मेडिकल स्टोर के जगह में जेनरिक वार्ड योजना का DPR संप्रेषण करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान DWSDO को निर्देश दिया गया कि कासिदा पंचायत के तमुकपाल एवं चेंगजोड़ा और धर्मबहाल पंचायत के धर्मबहाल गांव में कम्युनिटी टॉयलेट बनाने हेतु तो ग्राम सभा कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। प्रखंड विकास पदाधिकारी घाटशिला के द्वारा CGF एवं कन्वर्जेंस के अंतर्गत कार्य में तेजी लाने का निर्देश सभी विभागों के अधीनस्थ पदाधिकारियों कर्मचारियों को दिया गया। इस बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी, मृदा संरक्षण विभाग के पदाधिकारी, मनरेगा PMAY JSLPS तथा रूर्बन मिशन के परामर्शी उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। आज दिनांक 10 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, हिंदी तिथि के अनुसार महाअष्टमी का दिन। आज के दिन हिंदू त्योहारों के श्रेणी में माता शीतला का पूजा किया जाता है। 3 दिवसीय अनुष्ठान के आज पहले दिन स्थानीय तालाब के पवित्र जल की कलश यात्रा के साथ पूजा मंडप पर माता शीतला की मूर्ति का विधिवत पारंपरिक तौर पर पूजा अनुष्ठान के साथ पूजन कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें बड़ा गोविंदपुर, छोटा गोविंदपुर, महतोड़ी, खाखड़ीपाड़ा, डोमचड़ी, मुर्गागुटू आदि गांव के काफी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान पूर्वक माता शीतला की पूजा अर्चना की शुरुआत की। इस दौरान पुष्पांजलि की गई एवं प्रसाद चढ़ाया गया। इस पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने में बारी आश्रम बिनापनी क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का विशेष योगदान रहा। मौके पर क्लब के अध्यक्ष रजनीकांत, सचिव रंजीत गोप, उप मुखिया देबू गोप का विशेष योगदान रहा। बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बुल्लू रानी ने विधिवत पूर्वक पूजा का शुभारम्भ किया। मौके पर काफी संख्या में गांव के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। खगड़ीपाड़ा पंचायत में माता दुर्गा का जो रूप है माता शीतला, उनका ये प्रोग्राम पूजा आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र के सुख शांति समृद्धि के लिए ये पूजा किया जाता है। हमारे इस लोकल क्षेत्र में करीब 4 से 5 गांव हैं जो इस क्षेत्र पूजा में श्रद्धालु जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और इस पूजा में हम लोगों का बिनापानी क्लब के थ्रू से ये पूजा का संचालन किया जाता है। इस बार कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं को मास्क का वितरण किया गया, साथ में सैनिटाइजर का भी उपयोग इसमें किया गया, ताकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लोगों के भीड़ को ध्यान में रखते हुए, कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए प्रोग्राम का निवारा किया जा रहा है। आज कार्यक्रम का जब शुरुआत हुआ तो आपके मुख्य अतिथि कौन? मुख्य अतिथि हमारे जिला परिषद अध्यक्ष बुलानी सिंह जी इसमें उपस्थित थे, और उनके थ्रू ही आज फीता काट के इस पूजा का उद्घाटन किया गया है। आज पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी? पूजा का शुरुआत हमारे यहाँ से कलश यात्रा, हमारा जो पावन तालाब है उस तालाब से घट उठा के वहाँ से पैदल पुजारी के साथ लेके आके यहाँ पे कलश का स्थापना किया गया है। ये पूजा कितने दिनों तक चलेगी? ये पूजा अभी तो 3 दिन तक कंटिन्यू चलते रहेगी। आज पूजा का पहला दिन है, आज पूजा अष्टमी है, आज इसीलिए आज पूजा का पहला दिन है।
अष्टमी के उपलक्ष्य में ये पूजा का आरंभ किया गया। जमशेदपुर परसोडी के खास महल कुंडू भवन में पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न पंचायतों से आए मुखिया नेतागण और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान महादान है जो समय पर गरीब असहाय लोगों को, जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त मिले। पोटका के माननीय विधायक संजीव सरदार ने कहा कि खास महल कुंडू भवन में रक्तदान शिविर कोविड-19 को देखते हुए ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 73 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। मौके पर झामुमो के जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्को, आस्तिक महतो, शेख बदरुद्दीन, मनोज नाहा, गुड़िया पात्रो, मोहम्मद रहीम खान, महिला नेत्री नीता सरकार, जोबा मांडी समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। ये आज रक्तदान शिविर है। आज ये हमारा वो खास चुनावी वादा की तरह था कि जैसे ही हम लोग सत्ता में आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, तो उस समय रोड रास्ता विकास के साथ साथ और जनता का और कैसे हम लोग को उनका सही वक्त में सही समय पे सेवा दे पाएँ, इसके लिए आज रक्त संग्रह कमेटी बना के प्रखंड में रक्त संग्रह करके जरूरतमंद लोगों को रक्त मुहैया कराना आज इसलिए कि जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत आज आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता हमारे और जेएमएम के सारे नेता मिलकर रक्त संग्रह कमेटी गठन करके रक्त संग्रह किया जा रहा ताकि जरूरतमंद लोगों को जरूरत समय पर रक्त संग्रह। जमशेदपुर पुलिस को मिली बहुत बड़ी सफलता। जमशेदपुर शहर के अपराधी गैंग अमरनाथ गैंग के लगभग सभी सक्रिय सदस्य हथियार के साथ पुलिस के गिरफ्त में। कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, जिसमें 15 आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। कोल्हान DIG राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि जमशेदपुर में आपराधिक गतिविधियों का अंजाम देने वाला अमरनाथ गैंग के 15 सदस्य की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद की गई है, जिसमें 5 पिस्टल, 17 देसी कट्टा, 76 जिंदा कारतूस, 1 सफेद रंग की टाटा इंडिगो कार, 2 स्कूटी, 53,200 रुपए नगद तथा 11 मोबाइल फोन बरामद हुई है। राजीव रंजन सिंह ने बताया कि बड़ी गिरफ्तारी हुई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जमशेदपुर में आपराधिक घटना में कुछ हद तक कमी आएगी। DIG राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर पुलिस को शुभकामना दी और अपराधियों की गिरफ्तारी कराने वाले टीम को 10,000, 5,000 और 2,500 नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जमशेदपुर से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। 21 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बस्तुडी थाना अंतर्गत कतरा बस्ती में कुछ अपराध कर्मी भरवे हथियार से लैस होकर के जमा हैं और शराब पी रहे हैं। इस पर CTSP के द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए पुलिस को छापामारी के लिए भेजा गया। पुलिस को देख करके अपराध कर्मी भागने लगे। भागते हुए कुल 8 अपराध कर्मी पकड़े गए। इन अपराध कर्मियों को जब चेक किया गया तो सभी के पास से हथियार बरामद हुए और गोली बरामद। बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये मुख्य रूप से अमरनाथ गैंग के सभी सपोर्टर हैं और कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इसके बाद इन्हीं के निशानदेही पे इनके द्वारा बताया गया कि इनका जो मेन सरदार है यहाँ अभी अमरनाथ के जगह पर जो मेन काम कर रहा है वो रंजीत है। इनके निशानदेही पे पुलिस के द्वारा CTSP के टीम के द्वारा छापामारी करते हुए तत्काल 3 अन्य अपराध कर्मियों को पकड़ा गया। AJ आकाश, उर्फ आकाश महतो, साजन मिश्रा और सौरभ शर्मा, ये 3 पकड़े गए। इसके बाद पुलिस के द्वारा पुनः इनसे पूछताछ करने के बाद पुनः छापामारी करने पर कुल 4 और अपराध कर्मी पकड़े गए। इस तरह से कुल 15 अपराध कर्मी पकड़े गए। कुल 5 देसी पिस्टल, 17 देसी कट्टा, 76 जिंदा गोली, 1 इंडिगो कार, स्कूटी 2, 53,200 रुपया नगद और 11 मोबाइल इन सभी अपराध कर्मियों के पास से पकड़ा गया। बड़ा अचीवमेंट है और जमशेदपुर पुलिस CTSP सीनियर SP सबके नेतृत्व में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो बहुत दिनों के बाद एक मेन गैंग इस शहर का अमरनाथ जो गैंग है उसके लगभग सारे गुर्गे पकड़े गए और इस पकड़ने के बाद जो पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई उससे इस शहर में होने वाले और इस ज़िले में होने वाले कई कांड उद्घटित हुए हैं। मुख्य रूप से आपको बता दें
कि सिद्धगोड़ा में 10 दिन पहले एक मर्डर हुआ था, आप सबों को पता है, वह कांड का खुलासा हुआ। ओलीडीह में एक स्क्रैप व्यवसायी को गोली मारी गई थी जिसे पैर में गोली लगा था, 5 तारीख को वो बच रहा है व्यवसायी, उसमें आकाश का नाम आया था, वो आकाश पकड़ा गया। उस घटना में प्रतिमुख हथियार भी बरामद हुआ पुलिस को और लाइव कार्टरीज भी मिला। उस घटना में जितने संलिप्त थे वो सारे लोग पकड़े गए। इसके अलावे जादूगोड़ा में 15 दिन पहले एक मर्डर हुई थी जिसका कांड संख्या 28/2021 है। ये 20/3/2021 को हुआ था मर्डर। इसके भी मारने वाले अपराधकर्मी इस घटना में जो पकड़े गए अपराधकर्मी हैं उन्हीं में से निकले, वो बबलू शर्मा और ये लोग मिल के मारे थे। इसके अलावा एक गोलमुरी में फायरिंग इंसिडेंट हुई थी लगभग 2 महीना पहले, उसका भी उद्भेदन इन पकड़े गए अभियुक्तों के द्वारा किया गया था। अभी न जाने और कितने कांडों का पूछताछ के बाद सामने आएगा, तो हम समझते हैं कि जमशेदपुर पुलिस के लिए और सीनियर एसपी की पूरी टीम के लिए ये बहुत ही हर्ष का दिन है और इसमें जो भी पुलिसकर्मी हमारे बढ़ चढ़ करके सराहनीय कार्य किए हैं उन सबों को मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अभी कैश रिवार्ड दिए जाएंगे और मेरे द्वारा आगे भी इनसे डीजीपी सर से रिवार्ड देने के लिए यहाँ से